तो गाइस अब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। तो गाइस दर्शन तो हो गए, अपने अपने पाप धो दिए सब लोगों ने। शर्म भाई धोए, मेरा तो साफ है पहले। क्या पाप धुलते नहीं है, पाप के लिए माफी मांगी। तूने मांगी किस कौन से पाप के लिए? ये धर्मशाला, धर्मशाला के पीछे यहाँ से स्टार्ट होता है, पठानकोट धर्मशाला से लेकर इधर से लेकर पूरा बिल्कुल ये पीछे होकर परेशानी मणिकर्णी सेंज के ग्लेशियर। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग अभी रास्ता भटक गए हैं, तो रोड के बीच में एक प्यारा सा गांव लिखा हमारे को, ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। तो यहाँ लगा है क्रिकेट मैच जो आंटी बता रही थी, सोच रहे हमारी टीम में चार बंदों की कमी है, वहीं से ले लेंगे कुछ बीच के बिच्छू। और ये बीपीएल है, टीम खड़ी आ गई है। ये टीम खड़ी है बीच का बंदा, ये चाइनीज आलू देखो आ रहे हैं, बैट की तरह हो गए और बैट पकड़ेंगे। क्या बोल रहा, बैट की तरह होता तो फिट होता है, फुटबॉल की तरह हो गया। क्या बोल रहा है यार तू, एक बैट जैसा एक बॉल जैसा हो गया। जाओ फिर बॉल ढूंढो, हैं अविनाश भाई बॉल ढूंढो। सबसे छोटे को भेजा जाता है, आप तो सबसे यंगेस्ट आप ही हो यहाँ पे। जाओ भाई, इतने दूर दर्शन के लिए आया और बोला ऊपर से ही दर्शन कर लिया, बहुत है बोला। दूर से ही दर्शन कर लिया, आप कुछ कहना चाहेंगे इन तुच्छ प्राणियों के लिए? ये नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग हैं। और आप धार्मिक, आप दोनों बहुत है। अगर अंदर क्या बोलते हैं, इतनी दूर आके यहाँ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए ज्ञानी बाबा बोले, बाबा लक्ष्मी बोले। बात तो सही है, साल में गलती से पहुंच गए वो भी दर्शन के नाम पे। वही तो लास्ट टाइम हम लोग आए थे अनोध्या जब पढ़ता था प्लस वन टाइम, उसके बाद अब जाके टाइम मिला। मतलब मैं आया था, भाई लोग हम सब आए थे, कज़न भी आ रहे, दीक्षित हम सब थे। आप कहाँ हो जरा जान लो और मान लो, तो गाइस अब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। क्या मेरी गलती है? अरे जानू भाई, सॉरी की रिप्लाई भी नहीं दिया, वेरी रूड ऑफ यू यार। चाचा ने तो लड़की से भी ज़्यादा भाव खा लिया। ठीक है, नहीं
तभी तो ये शेष भी क्या संभाल के रखना पड़ता है। अब मैं सीधा अब जाते हैं हम पानी में लक्ष्य को डुबकी लगाने। देखो ये बाज ने मछली से कुछ पानी से कुछ चक्कर है उस बाज ने कुछ क्या तेरे तेरे झींगू नहीं नहीं दिल साफ होगा तो लीच नहीं चपकेगा। हाँ क्या लॉजिक है भाई, लीच भी गंदा खून चूसने आता है। वही तो बोल रहा हूँ कब से वो बाज। हेलो चलो क्या कर सकते हैं आजकल। हेलो क्या झिंगुर उठा रहा हूँ बोल रहा हूँ। ओ देख ओ देख देखिए आप ये देखिए आप नहीं आ रही है इसके हाथ में झिंगुर लक्षु कितना तेज है। जब ये डूब जाएगा तो धरती का टाइमिंग वाला है ना टाइम देखा ये जो तैरते हुए टापू दिख रहा है वो पुराने टाइम है ना जैसे टाइम का। लेकिन जब इधर पानी के अंदर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा तो मतलब धरती का अंत ऐसा ही है ना। एंड इज आना वहाँ एंड इज आना ऑक्सन का नहीं दिख मतलब मेरे ज्ञान सा ही था क्यों पढ़ो तब पता लगेगा हिंदी है हिंदी हिंदी ले ले मातृभाषा तमिल ला तमिल तमिल है तेरी अदा। तो गाइस दर्शन तो हो गए अपने अपने पाप धो दिए सब लोगों ने शन भाई धोए मेरा तो साफ है पहले क्या पाप धुलते नहीं है पाप के लिए माफी मांगी जाती है। तूने मांगी किस कौन से पाप के लिए जो भी जाने अनजाने हुई होगी उन लोगों को बहुत पाप हो गया इसलिए लोग नीचे नहीं आए बोला माफी नहीं मिलेगी बोला सीधे साफ ही हो गया बोला। पेयजल मतलब बता पीने वाला जल। अच्छा इसको नहीं पता था कैसा लोग का है स्कूल से भाग के आया इसको वर्दी का पैंट देखो इसका टीम बजोड़ा क्रिकेट मैच देखेंगे आप। वो यार पानी तो वैसे है इसमें थोड़ा ही सुबह होता है कदो रोशन भाई चालू कदो होता इसमें बंद भी करना पड़ा। पैराग्लाइडिंग लैंडिंग एरिया बोर्ड लगा होगा वहीं से ऊपर से जाना कच्चे वाले रोड में आगे आगे फिर एक रोड मिलेगा फ्लैट में फिर वहाँ से ऊपर को चढ़ना आगे से नहीं जाना कच्चा ही मिलेगा फिर रिज पे पहुंचेंगे आप टॉप पे रिज से फिर आगे को नहीं जाना है रिज से देखना फिर वो ऐसे रिज में आना है वहाँ से थोड़ा सा है गाड़ी चलने के लिए उसमें आना फिर टॉप पे ठीक है ओके जी थैंक यू करना हो तो बोल देना फिर हम आ जाते हैं कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए बता रहे थे कि कैसे कैसा है कौन कौन सा व्यू दिखाएंगे तो अलग अलग माउंटेन रेंज दिखाएंगे वाला पर उन्होंने बोला इसका नहीं हो पाएगा चाइल्ड अंडर एज हो रही और शानू भाई ओवर एज और मैं माइनस में बैंक बैलेंस ज़्यादा इसलिए मैंने पहले मनाया शानू मैंने फोन भी धक्के दे दिए तो मैंने बिछा दिया यहाँ पे टेंट अब मैं सोने जा रहा हूँ यहाँ पे पता नहीं किसका है तो मैं गाइड कर रहा हूँ किस रूट से वापस जाना चाहिए बेस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट। चारों साइड
सामने देखो फ्रोट वाले अटलेशिय पीर जी मेरे सामने मिलेगी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे मो 360 टॉप पर वहां जाओ है ना। किसी को भी इंटरेस्ट होगा तो बस भाई जरूर भैया जरूर नाम बताया भाई ने जशन ठाकुर प्राशर फ्लाई माउंटेन ओके। मेरा कांटेक्ट नंबर रहेगा 7018923991। आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं भाई के जरिए से। तो आइदर यू कैन डायरेक्ट डीएम मी और यू कैन आल्सो कॉल हिमालय हिमाचल का वन साइड का दिखता है यहां पे पूरा हिमालय जिसको कहते हैं इसके अंदर ही पूरा हिमाचल किन्नौर के भी है इवन तो जैसे कि भाई ने बताया तो नाइस हमको तो पहली बार पता लगा ये सब। तो लेट्स गो देन गाइस दर्शन भी हो गए बढ़िया काफ़ी टाइम बाद अच्छा लग रहा वैसे भी पूरा दिन हम लोग घरों में बैठ के टाइम वेस्ट कर ही देते हैं उससे अच्छा है बैग पैक चको पैक करो चको और निकल जाओ छोटे सफ़र के लिए एक्सप्लोर करो एक्सप्लोर जिंदगी का मतलब ही एक्सप्लोर है एक्सप्लोर नहीं किया तो जिंदगी जिंदगी नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं ये लोग कौन से रूट से ले जा रहे हैं। वैसे तो भाई बोलता है हनोगी हनोगी कुछ अब वो मंडी वो हनोगी माता वाला हनोगी है कि कोई और पता नहीं। और फिर हमने पीपल मेला भी देखना बोल रहे हैं तो राष्ट्र भाई कुछ करने जा रहे हैं पता नहीं शायद जंप मार सकते हैं। तो वहाँ पे पर्सनल फोटोशूट चला है शान भाई का वैली बहुत प्यारी है व्यू बहुत प्यारा है। हाँ नाइस जंप तो बढ़िया बजा वहाँ देख रहा पूरा पहाड़ कट चुका है लैंडस्लाइड हो चुका है और आगे से और कटने के तब उसमें नौबत में ज़्यादा बरसात हुई तो यहाँ भी हो सकता है। इस वाले पैच में मैं पहली बार आया हूँ इससे पहले मैं कभी नहीं आया इस पैच में रास्ता काफ़ी ख़राब है। तो ये देखो गाइस यहाँ पे हम लोग अभी रास्ता भटक गए हैं तो रोड के बीच में एक प्यारा सा गांव दिख रहा हमारे को ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर मेरे एक दोस्त का घर भी इतना ही ऊपर है। तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड किया निकलने का अब रूट है भगवान के भरोसे क्योंकि किसी को भी शॉर्ट ही नहीं हो रही कि ये रूट है कि नहीं है तो अब देखते हैं लक ने साथ दिया तो सही रास्ता पकड़ा होगा नहीं तो गलत होगा। बाकी यहाँ से क्या 360 व्यू आ रहा आगे सामने हमारे रोहतांग है अलग अलग वो है माउंटेन रेंजेस ये कंफर्म करने के लिए गाड़ी आ गई
नाइस, किस्मत ठीक थी। चलो फिर एक्सप्लोरिंग। यार बॉय, रिस्की रूट। यहाँ के लोग, यहाँ के गांव वालों को दांत है भाई, ये तो लॉल से भी ज़्यादा डेंजरस रोड है। मैं देख लो दूसरी तरफ से दिखाई, एक गलती और से दिखाई फिर वापस ना आई मेरे भाई। पीछे हो गया था मेरे से एक गलती बहुत, और ये बाइक बहुत हैवी है यार, पीछे टेढ़ा हो गया था बाइक, खड़ा ही नहीं कर पाया इस बाइक को, हर कुछ ही हैवी बाइक। हाँ देखो भाई ऐसा लग रहा है किनारे ही जा रहे हैं हम लोग, ये वाले डेडली रूट्स भाई, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट किनारे वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ से जाते हुए, किनारे चंबा यू नो। This is for, इसीलिए हम लोग आए हैं। ये तो माता के दर्शन करते हैं। तो यहाँ हो गए माता रानी के दर्शन बहुत समय बाद, तो जय हो, चलते हैं। अच्छा हुआ हम लोग इस रूट से आए, बहुत टाइम हो गया था माता के भी दर्शन नहीं हुए था, और ये वाला रूट तो बंद ही हो गया जब से टनल खुले है, इस रूट से तो कोई आता भी नहीं, और आगे वाला आगे से रास्ता वैसे भी बना नहीं है, उड़ गया सारा मंदिर के बाद आगे। अब एक दो घंटा तो ज़्यादा कम बोल दिया मैंने, मतलब थोड़े टाइम में पहुंच जाएंगे मनाली, तो आपको डायरेक्ट वहीं का दिखाता हूँ, कोशिश ये के बीच में कुछ अगर रुके तो दिखा देंगे, बट मेरे फ़ोन की बैटरी भी जाने वाली है, प्लस GoPro भाई के वहाँ है, तो देखते हैं बैटरी के हिसाब से। छठे गियर में सीधा 120 से ऊपर भाई, क्रेजी पावर। वो यार शानु भाई ऐसे मत रहो, उनका 140 गया। तो गाइस जब हम लोग आ गए हैं क्लास नहाने, तो अपने शरीर का सारा दर्द दूर कर देंगे आज क्लास में नहाने के बाद, अंग अंग तड़का गलात में गर्म पानी का भाप भड़का, भाप आई मीन फॉग, सबकी हालत ख़राब है खास करके ओल्ड एज बुजुर्ग लोगों के, हम तो फिर भी ठीक है। हाँ सागर भैया ठीक है, खड़िया बोलो, खड़िया बोलो, खड़िया खड़िया तो बना रखा, खड़िया रहेगा नहीं नहीं बोलो पहले खड़िया बोलो ना, बोलो खड़िया एवं बोलो, ये देखो ये लिखा शुरुआत।